हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विकलिंग और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये फिल्म रिलीज़ हुई है 3 जून 2022 को। हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप की गई है मार्केट पे, तो चलिए इस फिल्म का रिव्यू करते हैं। इस फिल्म की जो कहानी है वो आधारित है एक महान भारतीय सम्राट की कहानी पे, जिनका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इतिहास में इनका काफ़ी महत्व है और इन्होंने काफ़ी वीरता का प्रदर्शन किया है ऐतिहासिक पन्नों में। अब देखते हैं कि ये फिल्म क्या उनकी जो कहानी है उसके ऊपर खरी उतरी है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, निर्देशन की और इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है उस बारे में। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जो उन्होंने कहा है कि 15 साल के अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई है। स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है और ये फिल्म देखने के बाद लगता है कि उनको उनकी जो सोच थी, जो भावनाएं थी वो इसमें प्रकट नहीं कर पाए हैं, वो प्रकट नहीं हुई है अगर उनकी 15 साल की मेहनत है तो। अब बात करते हैं इस फिल्म में जो कलाकार हैं उन लोगों की, तो अक्षय कुमार को देख के लगता है कि वो पृथ्वीराज चौहान कम हैं और पृथ्वीराज कपूर ज़्यादा हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी एक पृथ्वीराज चौहान के प्रकार की लगती नहीं है और वो इस रोल में इतने ज़बरदस्त रूप से फिट होते ही नहीं हैं। उसमें वो जो राजा वाली फीलिंग है, वो सम्राट वाली फीलिंग हमें एक्चुअली में आती नहीं है। ये ट्रेलर में भी लगा था और फिल्म को देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जाहिर हो जाता है। जहाँ तक अन्य कलाकारों की बात है, मानुषी छिल्लर का जो रोल है वो इतना कोई प्रभावशाली है नहीं। उन्होंने जो रानी की भूमिका निभाई है उन्हें देख के कुछ अजीब सा लगता है। इसके अतिरिक्त तो दोनों की जो केमिस्ट्री है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि यार 54 साल के हीरो के सामने 25 साल की हीरोइन लेने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक पृथ्वीराज चौहान का सवाल है, तो वो खुद 43 की उम्र में उन्होंने जीवन का त्याग कर दिया था, तो यहाँ पे जो हीरो है उसको 54 ईयर्स के हीरो को लेने की आवश्यकता है। और जहाँ तक ये बताया गया इस फिल्म में कि जिस प्रकार का प्यार एंड रोमांस एंड ऑल, तो मैं ये कहना चाहूँगी ये पृथ्वीराज चौहान की मल्टीपल रानियाँ थी, उसके बारे में भी थोड़ा इनको कह देना चाहिए था। अब बात करते हैं दूसरे कलाकारों की। सोनू सूद है इस फिल्म में, संजय दत्त है, उनको ज़्यादा कुछ प्रभावशाली कुछ करने को मिला नहीं है। और इस फिल्म में संजय दत्त ने ब्लाइंड फोल्ड लगाया हुआ है। इस फिल्म को देखते हुए हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारी इच्छा करती है कि हम वो ब्लाइंड फोल्ड लगा लें और सो जाएं। अब हो सकता है कि अक्षय कुमार के फैंस को ये बात बुरी लगे, लेकिन यार ये सच्चाई है। इस कहानी को देखोगे तो थोड़ा दुख होगा कि यार अक्षय कुमार ने क्यों। जहाँ तक बात है इसमें रोमांटिक सीन्स की, सॉन्ग्स की, तो मुझे ये समझ भी नहीं आया कि इसमें पीला गुलाबी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन किए क्यों हैं। क्योंकि जब मैं इसके फिल्म के गानों को देखती हूँ तो एक भी गाना या तो मुझे याद नहीं रहता और जहाँ तक सीन है वो भी याद नहीं रहते। जहाँ तक संजय लीला भंसाली की फिल्मों की बात है, चाहे वो पद्मावत हो, उनको देख के, पद्मावत जैसी फिल्मों को देख के हम ये कह सकते हैं कि उसके सीन याद रहते हैं। उसमें दीपिका पादुकोण का नृत्य हमें याद रहता है, तो आप कहेंगे कि वो बहुत बड़े फिल्मकार हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संजय लीला भंसाली की पुरानी फिल्में हैं उनमें भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें याद रहती है, लेकिन इस फिल्म के सॉन्ग्स हमें याद नहीं रहते, इसके दृश्य इतने दिल को छूने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के जो सीन्स हैं उनकी, इसमें जो वॉर सीन्स हैं उनको देख के लगता है कि वो स्टेज्ड हैं। उनके अंदर वो फील नहीं आता है कि वो एक वॉर फिल्म का एक बड़ा सा दृश्य हम देख रहे हैं और हम रोमांचक हो रहे हैं, वो फील इसमें आएगा नहीं। दूसरी चीज़ें इस फिल्म के अंदर जो आपको लगती है कि इस फिल्म के अंदर फेमिनिस्ट वाली चीज़ घुसाई गई है, लेकिन जो फेमिनिज्म है उसको दिखाने के चक्कर में ये अजीब सी फीलिंग देता है यार। क्योंकि एक तरफ आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जौहर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, वाई, ऐसा क्यों भाई। अब बात करते हैं इस फिल्म के को जो रिस्पॉन्स मिला है लोगों का। इस फिल्म को जितना मार्केटिंग हाइप दिया गया है, जितना पैसा लगा के इसकी मार्केटिंग की गई है, उस हिसाब से इसके कुछ चीज़ें रिव्यू आपको अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन मेरे पास जो रिव्यू है इसके और मेरा खुद का रिव्यू है वो इतना अच्छा इसका नहीं है। ये मुझे पूरा पैसा वसूल नहीं लग रही है।
और इस फिल्म को देख के मुझे जितना मुझे प्यार सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है वो फीलिंग मुझे नहीं आई है। अब बात करते हैं इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, तो मैं कहना चाहूँगी यार इस फिल्म के अंदर जो मुझे लगा अक्षय कुमार ने प्रमोशन काफ़ी अच्छा किया है इस फिल्म का, नंगे पांव चल के भी गए हैं, इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक लोगों से भी इसका अप्रूवल लिया है, तो वो बड़ा अच्छी सी एक नया इनोवेटिव चीज़ है, हालांकि लोग करते रहे हैं वैसी चीज़ें भी। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर घोड़ों ने और हाथियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों। ये एक अगर देखा जाए तो 300 करोड़ रुपए की फिल्म लगती नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन विजुअल इफ़ेक्ट्स हो सकते थे जैसा इसका बजट है, लेकिन उस मापदंड पे ये फिल्म खरी उतरी नहीं है। और जो मेन कलाकार हैं उनसे काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है इस फिल्म को देख के, हालांकि देखते हैं कि और कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म विक्रम से काफ़ी पीछे रह चुकी है ऑलरेडी अपने बिजनेस में, और मेजर जो फिल्म है ऑलरेडी काफ़ी तारीफ बटोर चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल वंडरफुल टाइम।